मैं आपको नमूने के तौर पर एक आयत पेश कर देता हूँ और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आयत कभी भरे मजमे में कभी दोस्तों के अंदर कभी अपने खानदान के लोगों में बैठ के आप इस आयत को बयान करें और इसका तर्जमा जिस मकत में फिक्र के वो है ना उसी का ही तर्ज़मा पढ़ के आप बता दें और फिर देखें आपके साथ होती क्या है हालांकि कुरान की आयत है तर्जुमा भी उनके अपने ने किया हुआ है ख्वाह अब्रलिवी साहब का तर्जा उठा लें अशर थानवी साहब का उठा लें झूनागढ़ी साहब का उठा लें फतेह मोहम्मद जरंदरी का उठा लें सैद फरमान अली शाह का उठा लें मैंने सारे फ़िरकों के इलमा के नाम ले दिए ये सुने जी आयत आराफ आयत नंबर वन एटी एट आऊब शीम बिसमिल्लाम्लिक नफसी नफ़ आऊला नबी तुम फरमा दो अपनी जान के लिए भी ना किसी नफे का मालिक हूं ना किसी नुकसान का इल्ला माशा अल्लाह हाँ मगर जो अल्लाह चाहे तो अगर इस्लाम को अपनी जात के हवाले से इख्तियार नहीं है तो किसी दूसरे को नफा देना तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना नबी इस्लाम को अपनी जात के हवाले से इख्तियार नहीं है तो किसी दूसरे को नफा देना तो यह बहुत बड़ी बात हो जाएगी इस्लाम <laughs> को अपनी जात के हवाले से नहीं है, तो किसी दूसरे को नफा देना तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना कि मैं अपनी जान के नफे और नुकसान का मालिक नहीं मगर जो अल्लाह चाहे यानी अल्लाह ताला के चाहने से और अल्लाह ताला के इख्तियार देने से नबी अब आकर सलात वाम नफ़े नुकसान के मालिक हैं बजात खुद अपनी तरफ़ से सरकार डी सलाम नफी नुकसान के मालिक नहीं अल्लाह ताला की तरफ से देने से आप इख्तियार रखते हैं उसकी दलीलें कुरान में हदीसों में हर जगह मौजूद है कुरने पाक के अंदर अल्लाह तरमाया इना आना कल कोसर ए महबूब बेशक हमने आपको को कौसर अता फ़रमा दी कौसर से मुराद ख़ैर कसीर या हौज़ कोसर या कसर उम्म या जन्नत की चाबियाँ और इस तरह की जितनी तफसीरें हैं वो सारी के सारी इसके अंदर आ जाएंगी तो अल्लाह ने अता किया तो सरकार रिस्लात को मिल गया अल्लाह ताला की अता से है उसकी अता के बगैर कुछ भी नहीं तो फरमाया कि मैं अपनी जान के नफे नुकसान का भी मालिक नहीं मगर जो अल्लाह चाहे तो अल्लाह ताला ने जो चाहा कुरान और, और हदीस की दूसरी नसूस के अंदर उसका जिक्र मौजूद है दूसरी बात तो नबीलाम को अपनी जवाले से इख्तियार नहीं है तो किसी दूसरे को नफ़ा देना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना जब अल्लाह रब्लम ने लोगों पर हज फर्ज किया तो रसोल्ला ने एक खुद वर्शाद फरमाया और इर्शाद फरमायादफर तुम पर हज फर्ज हो गया अब क्या करो हज करो जब हज के लिए आपने कहा तो एक सहाबी खड़े हुए और वो अर्ज करते हैं या रसोल्लाम ये हमें हर साल जाना है हर साल हज करना है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान करीमी ये शान रहमत थी आप खामोश रहे उन्होंने फिर सवाल दोहराया उन्होंने फिर सवाल दोहराया वो ये कहते रहे और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फिर इर्शाद फरमाया लौ कुल तु नवा जब अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल ही हज फर्ज हो जाता हज का भी फरीजा ये भी गोया कि रसुल्ला सल्ला वसलम के इख्तियार में था आपने अपनी उम्मत पर यह शफकत और रहमत करते हुए ऐसा नहीं फरमाया। इस्लाम को अपनी जात के हवाले से इख्तियार नहीं है तो किसी दूसरे को नफा देना तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना साहबी जो है वो उन्होंने नमाज से ईद से पहले कुर्बानी कर ली अब नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर ली तो कुर्बानी तो नहीं हुई हुक्म दे दिया कि कर्बानी दोबारा करो कहने लगे मेरे पास सो अब कुछ नहीं है जानवर नहीं है वो सहाबी कहने लगे मेरे पास एक बकरी का बच्चा है जो कि छ महीने का है साल भर वालों उसे अच्छा तो है लेकिन है छ महीने का तो आप सल्लाह ने फरमाया तुम कर लो तुम्हारी तरफ से है तुम्हारे अलावा किसी के लिए यह अलाव नहीं किसी को इजाजत नहीं उसकी तरफ से वो कबूल ही नहीं होगी भेड़ दुम्बे के लिए तो यह मसला है छ महीने का हो दिखता हो साल भर का है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी लेकिन बकरी बकरा एक साल शर्त है एक दिन भी कम है उसकी कुर्बानी नहीं होगी यहां रसूल वसल्लम अपने इख्तियार के तहत आपने उन्हें इजाज़त ता फरमाई उनकी तरफ से यही काफी होगी तो अर्ज करने के मकसद वसलम को तशरी अहकाम में भी जहां चाहे जिसके लिए जो फैसला करें आप उसे वही फैसला करें वही उसके लिए शरीय का हुक्म बन जाता है ये तो आपके इख्तियार इन चीजों में और अगर हम दूसरी तरफ आए कि कभी आप दरख्त को बें दरख्त भी आपका हुक्म पाकर हाजिर हो जाए जानवरों से आप कलाम करें पत्थरों को इशारा करें तो वो पत्थर भी जो है वो आपकी तरफ आए वो कलमा पढ़ें वो दुरुदो सलाम आप पर पढ़ें आप इशारा करें तो बादल आपका हुक्म पाते हुए बारिश बरसाए भी बारिश खत्म भी करे आप इशारा करें तो चांद के टुकड़े हो जाए आप इशारा करें तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए ये इन चीज़ों पर भी रसूल सल्ला अलहसम के इख्तियार हैं अल्लाह ने आपको ये शान अता फरमाई है कि सारी चीज़ें आपके महकुम हैं यानी आपके हुक्म के पाबंद हैं आप जो हुक्म दें उसके लिए वैसे ही फैसला हो जाता है और जिसको आप जो हुक्म देते हैं वो वैसा ही करने का पाबंद होता है और आप किसी के महकुम नहीं हैं सिवाय अल्लाह के अल्लाह रब्लम ने अपने प्यारे हबीब सल्ला वसम को ये शान अता फरमाई